लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 10 जोन 1 के क्लब संख्या 95645 लायंस क्लब अलवर मत्स्य की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होटल जय किशन क्लब बैंक्वेट हॉल एंड रेस्टोरेंट अलवर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक लॉयन गिरीश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी के निदेशक एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अलवर के सचिव डॉक्टर रूप सिंह, इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी एमजेएफ लॉयन शशि गोयल, मुख्य वक्ता डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के पास्ट जोन चेयरपर्सन एमजेएफ लॉयन डॉक्टर एससी मित्तल, इंडक्शन ऑफिसर एमजेएफ लॉयन एमपी जैन पास्ट डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी थे। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश की मूर्ति चार्टर्ड मलविन जोहंस की तस्वीर का माला पहनाकर व दीप जलाकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों को मंचासीन करके बेबी भव्या द्वारा सभी को कुमकुम तिलक लगवाया गया एवं अध्यक्ष एमजेएफ लॉयन सीपी गुप्ता, सचिव लॉयन मृदुल खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन उमेश अग्रवाल सहित सभी क्लब सदस्यों द्वारा अतिथियों एवं अन्य क्लब से आए सदस्यों का फूल, मालाएं, लहरिए के दुपट्टे एवं श्रीफल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा क्लब प्रेसिडेंट लॉयन सीपी गुप्ता द्वारा विधिवत मीटिंग की शुरुआत की गई। ध्वज वंदना तथा विश्व शांति प्रार्थना लॉयन डॉक्टर मंजू अग्रवाल द्वारा पढ़ी गई तथा सभी ने एक मिनट के लिए विश्व शांति के लिए मौन धारण भी किया। राष्ट्रगान के तुरंत पश्चात स्वागत भाषण में क्लब प्रेसिडेंट लॉयन सीपी गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही क्लब सदस्यों का हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। खासतौर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप सिंह के बारे में विस्तार से सदन को जानकारी प्रदान की गई। क्लब सचिव लॉयन मृदुल खंडेलवाल ने सदन के समक्ष गत वर्ष की गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात वर्ष 2022-23 के अध्यक्ष एमजेएफ लॉयन सीपी गुप्ता ने अपनी पत्नी लॉयन मीरा गुप्ता के साथ अपने सभी क्लब के साथियों का आभार व्यक्त करते हुए हर क्लब सदस्य को टोकन ऑफ रिगार्ड्स के रूप में एक गिफ्ट देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर उन्होंने लॉयन शशि गोयल, लॉयन अलका मित्तल, लॉयन संध्या अग्रवाल, लॉयन गिरीश गुप्ता, लॉयन विनोद अग्रवाल, लॉयन मृदुल खंडेलवाल, लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल, लॉयन रामबाबू गुप्ता आदि को विशेष सहयोग के लिए पुरस्कृत किया। इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी एमजेएफ लॉयन शशि गोयल ने वर्ष 2023-24 के अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल, सचिव लॉयन विनोद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीए लॉयन विपिन जैन सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। सभी क्लब सदस्यों ने माला, फूल, बुके, दुपट्टे द्वारा नई कार्यकारिणी का स्वागत किया और सभी ने हर्ष जाहिर किया। लॉयन शशि गोयल ने अपने उद्बोधन में बताया कि लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य द्वारा हर वर्ष बेहतरीन सेवा कार्य होते हुए हैं और नई टीम भी क्लब को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा, यही मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। तत्पश्चात नए अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 की अपनी कार्य योजनाओं से सदन को अवगत करवाया, जिसमें वर्ष भर तक हर माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मुख्य वक्ता के रूप में एमजेएफ लॉयन डॉक्टर एससी मित्तल ने बताया कि डॉक्टर रूप सिंह और उनका साथ बहुत पुराना है और डॉक्टर रूप सिंह एवं चेहरे पर खुशी, उल्लास, तेज के साथ जन्मों जन्मांतर का है और यही कारण है कि इंसान खुश रहे, मस्त रहे तो आसानी से हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। साथ ही एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी से क्लब में कार्य करने की प्रेरणा दी। साथ ही कहा कि लॉयन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालकर सेवा कार्य करने पर जोर दिया तथा हर वक्त मानव सेवा को तत्पर लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सभी सदस्यों को बधाई प्रेषित की। इंडक्शन ऑफिसर के रूप में आए एमजेएफ लॉयन एमपी जैन ने भी अपने उद्बोधन में सभी क्लब सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य द्वारा सेवा कार्य हर वर्ष बेहतरीन होते हैं, लेकिन क्लब को अब स्थायी प्रोजेक्ट का पर काम करना होगा। तत्पश्चात क्लब के 12 नए सदस्यों को शपथ दिलाकर क्लब के सदस्य बनने की बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि अब आप पर सामाजिक दायित्व तो और बढ़ गया है, क्लब के साथ जुड़कर अब आपको मानव सेवा में भी तत्पर रहना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप सिंह अपने उद्बोधन में नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि जिंदगी बड़ी सरल है, जीना बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है पर सरल रहना बहुत कठिन है। जीवन शैली द्वारा आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे आमजन में अपनी अमीर पहचान बना सकते हैं, सबको जीवन में तीन चीजें चाहिए, अच्छा परिवार, थोड़ा सा धन और मान सम्मान, उसके बाद भी कुछ चाहिए तो आत्म शांति, और ये भी आती है जब ये तीन चीजें आपको मिल जाती हैं
और सभी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं, फिर मानव सेवा और पशु पक्षी सेवा को अपनाने के लिए बाद ही शांति की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को मानव सेवा के साथ साथ पशु पक्षी की सेवा पर भी जोर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की मुहिम को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में चलाने के लिए लॉयन गिरीश गुप्ता को अपनी बधाई दी तथा हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के अंत में गत वर्ष के प्रेसिडेंट लॉयन संदीप अग्रवाल ने सभी अतिथियों के साथ गत वर्ष के अध्यक्ष लॉयन सीपी गुप्ता, सचिव लॉयन मृदुल खंडेलवाल तथा कोषाध्यक्ष लॉयन उमेश अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह देकर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। साथ ही क्लब द्वारा सभी आए हुए अतिथियों को भी प्रतीक चिन्ह देकर आज के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। मास्टर ऑफ सेरेमनी एवं कार्यक्रम संयोजक लॉयन गिरीश गुप्ता पास्ट प्रेसिडेंट वर्ष 2020 और 22 को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद उद्बोधन कार्यक्रम संयोजक लॉयन गिरीश गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम के समापन की घोषणा नए अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल द्वारा विधिवत की गई। मेरा हालत ऐसा हो गया जैसे किसी ने फोन पे हाँ कर दिया हो, एक लड़के ने एक लड़की की हाँ ले ली कि हम शादी करेंगे। इन्होंने भी ऐसा किया था, फोन पे ही पूछा। समझदार पिताजी ने लड़के से कहा, लड़की से कम से कम बात तो कर लेता, ऐसे कहां करती, कम से कम पूछ कुछ तो बात कर ले। उसने फोन किया, हेलो अरे हनीमून पर कहां चलेंगे, माता पिता तो राजी हो गए। तो उधर से आवाज आई, दम्मू तकमील करेंगे, दम्मू तकमील। पिताजी बोले, अनुभव श्रेष्ठ होता है, अब जाएगा दम्मू तकमील। पर हर हालत में कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। मुझे बहुत अपने फादर लोग की याद आ गई जब शशि दीदी ने कहा कि अलवर की जमाई साहब है। आजकल जमाई साहब को कई लोग जम समझते पर आपका जब प्यार मिला तो निश्चित रूप से 5-10 मिनट तो बनते हैं। हालांकि मैं अब बैठा बैठा पहले तो स्वयं कोई मोटिवेट कर रहा था कि ये 3 घंटे के घायल लोगों को ये सुनेंगे क्या। तो नाना पाटेकर की तरह मैं भी कह रहा था,